वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और आज इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 7.8 क्या आप जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन फंक्शन है एक्स डीएक्स और लिमिट दिया है ए टू बी, यानी इस रेंज में हमको इसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप फॉर्मुला जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये लिमिट फंक्शन डीएक्स क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू जीरो एस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेस डेस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये फॉर्मुला होता है। और एच क्या होता है, बी माइनस ए एफ वन एन, क्योंकि एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है। तो एच कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए एफ वन एन। तो हम वैल्यू लिख लेंगे, ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स, और एच इक्वल्स टू बी माइनस ए एफ वन एन। तो हमारा वापस हमने देयरफॉर आई इक्वल्स टू आंसर लिख लिया, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डीएक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ऑफ ए, की अगर ए ही है देन एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये चला, ये एज चल रहा। अब ए से रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन में एक्स की, तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ए प्लस एच से करेंगे तो ए प्लस एच, ए प्लस टू एच से करेंगे तो ए प्लस टू एच, ए प्लस एन माइनस वन एच से करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हो गया है ना। अब देखिए इसमें ए ए ए ए ए लास्ट तक आते जा रहा, तो ए प्लस डेस डेस प्लस ए, ठीक है। फिर एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच कहां तक जा रहा है, एन माइनस वन, ये भी लिख दिया। अब ये देखिए कितने, टू ए होता तो एन ए टू इन टू ए, थ्री ए होता तो थ्री इन टू ए, अब एन टाइम्स ए है ना, बहुत हम नहीं गिन सकते, तो एन इन टू ए कर देंगे तो क्या होगा, एन इन टू ए। फिर इनमें देखिए h, h यदि हम कॉमा ले लें तो क्या आएगा, h इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डेस डेस एन माइनस वन आ गया बच्चों, इस तरीके से हमारा आ गया है ना। अब हमारा इस तरीके से आ गया, तो देखिए हमने क्या किया, सेकंड में n a लिख दिया नेक्स्ट स्टेम, और इसमें h कॉमा ले लें तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डेस डेस एन माइनस वन, ये हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये बाकी एलईडी चल रहा था वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डेस डेट एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, सम ऑफ एन टर्म एन माइनस वन टर्म्स का, तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपको यहां भी बता दिया। अब ये देखिए इस एच को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, एन एच ए, इस एच को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच इंटू हमने क्या किया, इस एच को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन एच, और ये एच को यहां लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो एच है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर में क्या होता है, एन एच माइनस एच और अपॉन टू, और ये एनएच चल रहा था, ठीक है। और एनएच की वैल्यू क्या है आपकी, बी माइनस ए, और एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ये आपको याद रखना है। तो एनएच की वैल्यू रख दीजिए क्या है, बी एनएच की वैल्यू बी माइनस ए, ये रख दिया इनटू ए, फिर एनएच की वैल्यू बी माइनस ए, एनएच की वैल्यू बी माइनस ए, और ये एच अपॉन टू। अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम में हमने क्या किया, नेक्स्ट सिस्टम में देखिए जैसे हम एच टेंस टू जीरो, हम जानते हैं यदि एच जीरो हो रहा, तो एच जीरो कब होगा, जब एन इन्फाइनाइट हो जाए, है ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो h इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, n में ब्रेक कर देते, b माइनस ए अपॉन एन, तो वन अपॉन एन इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, ये याद रखिएगा, जब वन अपॉन एन लिखेंगे और n को जब इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू जीरो ही होती है ना। अब देखिए n को हम क्या कर रहे हैं, h टेंस टू जीरो को हम रिप्लेस कर रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी से, है ना। h टेंस जीरो कब होता है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो हमने क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बाकी अंदर का एज रखा, जहां h था उसको n में एन वाले ये वाला फॉर्म लिख दिया, इक्वल टू क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन। अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, इसमें से देखिए ये एज इट इज चल रहा था, इस पूरे टर्म में से बी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो ये एज इट इज था, इसमें से बी माइनस ए कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन एन, और जैसे एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, एन वन अपॉन एन, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, यहां जीरो रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। और यदि आपको डायरेक्ट आंसर चेक करना आंसर सही है कि नहीं, तो आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला प्रोसेस बताया था, इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, है ना। फिर आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको लिमिट एज सम से करना था, इसलिए हमने ये मेथड यहां पर किया। देन नंबर टू देखिए, हमारा फंक्शन है एक्स प्लस वन डीएक्स, लिमिट दिया जीरो टू फाइव, यानी जीरो से फाइव की रेंज में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो डेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू बी डी ए, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ओफ ए प्लस एफ ओफ ए प्लस एच प्लस डेस डेस एफ ओफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये फॉर्मूला आप जानते हो। एच इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेयर वी माइनस ए एफ वन है, ए की वैल्यू क्या है जीरो, बी की वैल्यू है फाइव, और एफ ओफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन, ठीक है। और एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो फाइव अपॉन एन निकला, ये हमने वापस लिख दिया आई इक्वल टू जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डीएक्स। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ
ए क्या है, जीरो प्लस ए प्लस एच, जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस टू एच। अब जीरो रखेंगे एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक्स को जीरो से, तो जीरो प्लस वन यानी वन, फिर जीरो प्लस एच से कर देंगे तो एच प्लस वन, जीरो प्लस टू एच से करेंगे तो टू एच प्लस वन, इस तरीके से एन जीरो प्लस एन माइनस वन एच से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन, ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एज इट इज ये रहा, अब ये वन कितने टाइम जा रहा है एन माइनस, यहां तक जाते जाएगा तो वन प्लस डैश डैश प्लस वन लिख दिया, प्लस एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस एन माइनस वन एच यहां तक जाएगा, फिर ये कितने एन एन टर्म्स है तो एन इंटू वन, देन एच कॉमन लिया तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन ये आया, ठीक है डैश डैश। अब ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये मैंने रीजन भी लिख दिया, इस एच को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एच इन एन इंटू एच और ये एन एच और ये एच इसमें जाएगा तो एन एन एच माइनस एच, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप यहां लिख दिया। अब जैसे हम एच टेंस टू जीरो को एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, यानी हम जानते हैं एच टेंस टू जीरो कब होता है, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होता, हमने लिख दिया तो क्या करेंगे, सिंस एन एच इक्वल्स टू एन एच की वैल्यू जानते हैं क्या होता है बी माइनस ए, तो फाइव माइनस जीरो यानी फाइव, तो एच इक्वल्स टू फाइव अपॉन एन, ये हो गया एक ये याद रखना। फिर एच टेंस टू जीरो कब होता है, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये भी आपको याद रखना। अब देखिए हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे एच टेंस टू जीरो को रिप्लेस किया एन टेंस टू इन्फिनिटी से, है ना, तो ये हो गया एन एच की वैल्यू क्या फाइव माइनस जीरो फाइव, और एन एच की वैल्यू अगेन फाइव, और एन एच की वैल्यू फाइव, और एच की वैल्यू क्या थी फाइव अपॉन एन, और ये टू, और एन को जैसे हम रिप्लेस कर देंगे इसमें से फाइव वापस कॉमन ले लेंगे तो क्या आगा फाइव इंटू वन माइनस वन अपॉन एन, और एन को जैसे इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं तो वन अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती जीरो, तो ये हो गया जीरो, ये सॉल्व किया तो क्या आंसर आपका 35/2। नंबर थर्ड में मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है टू टू थ्री एक्स स्क्वायर दिया है, और फोर्थ में इंटीग्रेशन वन टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एच, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला, इस वाले एक आपको ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री ये वाले पार्ट में, और स्क्वायर जहां पे उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो आप सिंपली करने की कोशिश कीजिएगा ये वाले फॉर्मूले आपको अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ में क्या है इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन ई टू दी बार एक्स डी एक्स, इसका आपको एग्जाम्पल नंबर 26 जो ई टू दी बार वाला दिया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है, हम जानते हैं वी नो डेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेस एच एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ए की वैल्यू रखी क्या माइनस वन, बी की वैल्यू वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू दी बार एक्स, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो क्या आएगा वन माइनस माइनस वन अपॉन एन टू अपॉन एन, ये रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया एफ ऑफ ए क्या माइनस वन, ए प्लस एच माइनस वन प्लस एच, इस तरीके से माइनस वन प्लस एन माइनस वन एच, अब माइनस वन से रिप्लेस किया एक्स को तो क्या होगा ई टू दियर माइनस वन, फिर माइनस वन प्लस एच से किया एक्स को रिप्लेस टू ई टू दियर माइनस वन प्लस एच, इस तरीके से ई टू दियर माइनस वन प्लस टू एच प्लस डैश डैश ई टू दी पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन एच, ये हमारा आया है ना, वापिस एज इट इज चला। अब देखिए हम ई टू दीवर माइनस वन एज इट इज लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं ई टू दीवर माइनस वन इंटू ई टू दीवर एच, हम जानते हैं बेस यदि सेम रहता पावर एड हो जाती, इसलिए हम ई टू दीवर माइनस वन प्लस एच को लिख सकते ई टू दीवर माइनस वन इंटू ई टू दीवर एच, इसको ई टू दीवर माइनस वन इंटू ई टू दीवर टू एच, इसको ई टू दीवर माइनस वन इंटू ई टू दीवर एन माइनस वन एच। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सेम एज इट इज रहने दिया, बस ई टू दीवर माइनस वन सभी से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा वन प्लस ई टू दी ओवर एच प्लस ई टू दी टू एच प्लस ई टू दी ओवर एन माइनस वन एच, ये हो गया है ना। अब अगेन ये ई टू दी ओवर वाली हमारी क्या हो गई जीपी बन गई, ये देखिए ई टू दी टू एच को यदि अब ई टू दी एच से डिवाइड करेंगे तो ई टू दी ओवर एच आएगा, ई टू दी ओवर एच को वन से डिवाइड करेंगे तो ई टू दी ओवर एच आएगा, इस ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं जीपी बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा ए आर टू दी ओवर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो आर क्या था ई टू दी ओवर एच, तो ये आर ई टू एच माइनस वन और ऊपर आर टू दी ओवर एन यानी ई टू दी ओवर एच का होल पावर एन माइनस वन, और ए क्या था आपका ए यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या था आपका ये आपका वन आ गया वन, ठीक है, और ई टू दी माइनस वन इसके बाहर में चल रहा था, ये हमने सोल्व कर दिया। अब ये मैंने आपको ये बता दिया सोल्व करके ए की वैल्यू वन थी ई टू दी ओवर एच थी कैसे बना था, ये सॉल्व करके बता दे इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपकी ई टू दी, ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया यहां पर वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस, इसके बाद डायरेक्ट स्टेप ये है, ये तो मैंने आपको रब बताया यहां पे, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी माइनस वन ई टू दी ओवर एन एच माइनस वन अपॉन ई टू दी ओवर एच माइनस वन। अब देखिए आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी ओवर एच माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू वन होता है ना, तो इसमें यदि हम एच से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच इन द डिनोमिनेटर, तो किया तो आपका एच यहां पर मल्टीप्लाई और एच ये डिवाइड में, तो ये पूरा लिमिट एच टेंड टू जीरो एच माइनस वन
अपॉन एच, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ये एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा वन, और बचा क्या ई टू दर माइनस वन ई टू दर एन एच माइनस वन, और एन एच की वैल्यू क्या थी बच्चों, टू बी माइनस ए, है ना, तो आपकी वैल्यू क्या थी टू थी, जो टू हमने पुट कर दिया, ये देख लीजिए आप एच की वैल्यू, आप बी एन एच की वैल्यू, एन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी वन माइनस माइनस वन यानी टू, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ई टू टू माइनस वन, तो ई टू माइनस वन का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर एड हो जाएगी, टू प्लस वन, टू प्लस माइनस वन यानी प्लस वन, और ये ई टू माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई, तो माइनस वन, तो आपका माइनस ई टू दावर माइनस वन। देन नंबर सिक्स जो है सेम एज फाइव है, ये आपको सेपरेटली सॉल्व करना, इसको एक बार सेपरेट करिए, इसको करिए, बाद में आंसर में रख दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।